दिन संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन को लेकर बीते दिन सिवनी जिले में भी बंद का असर दिखाई दिया। मुख्यालय सहित छपारा, लखना, दून, घनसोर में बंद का खासा असर रहा। किसानों के अध्यादेश का विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली निकालकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं विधायक योगेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार से तुरंत किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की है। को लेकर भी राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा है। मोदी जी हैं, मोदी जी ने किसानों के विरुद्ध, अन्नदाताओं के विरुद्ध 3 बिल लाए हैं। उस बिल के विरोध में हमारे देश के जो किसान भाई हैं, वो इस समय पिछले 12 दिन से बैठे हुए हैं केंद्र में, लेकिन उनका कोई हाल चाल भी नहीं जान रहा है। आगामी रणनीति और पहले से ही हमारी जो रणनीति रही है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति और किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है। और आज भी गुणवाना गणतंत्र पार्टी जो केंद्र सरकार के द्वारा विधेयक पारित किया जा रहा है, किसानों के विरोध में एक काला कानून बनाया गया है और इस काले कानून का गुणवाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर विरोध। नरसिंह